राम नवमी का महत्वपूर्ण वर्ष नक्षत्र में हुआ था। श्री राम का जन्म, ये है पौराणिक कथा। राम नवमी पर नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म समय के दौरान ग्रह की स्थिति बहुत शुभ थी। इस दिन 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में स्थित थे। इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के अवतार यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में यानी तेजस्वी और परशुरामी पुत्र का जन्म हुआ। श्री राम की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ पुष्ट यज्ञ करवाया और यज्ञ के प्राप्त खीर की दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या को दे दिया। कौशल्या ने उसमें से आधा हिस्सा कैकेयी को दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हिस्से के आधा आधा खीर तीसरी पत्नी सुमित्रा को दिया। इस खीर के सेवन से चैत्र शुक्ल नवमी को पुनः वर्षो नक्षत्र एवं करक लगन में माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसी तरह केकई से भरत तो सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम नवमी ऐसे मनाएं। राम नवमी पर सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरे दिन नियम और समय के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही राम दरबार यानी भगवान श्री राम के सहित लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की पूजा की जाती है और आरती की जाती है। राम जन्मोत्सव की खुशी पर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को भोजन करवाया जाता है और प्रसाद बांटते हैं। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है। मानता है कि रामनवमी के दिन उपवास रखने से सुख समृद्धि आती है। जय श्री राम। जय श्री राम।